गंडासे भी ऐदा दे सी जिहड़ी चादर कारां दी कट्टी गई ऐदा दे गंडासे सी। फायरिंग की और रात जिन्ने भी कोई खड़ा सी उन्हूं डरा के भजाया। जे राती पुलिस एक्टिव हुंदी ओ गुंडियां नूं फड़दी ओ बंदा जिहड़ा बेचारा जिंदगी नाल लड़ रहा ओ बच सकदा सीगा। लुधियाना दहशतगर्दी का अड्डा बनता जा रहा है, जिसकी ताज़ा मिसाल डिविजन नंबर 3 के इलाके च देखने को मिली, जिथे बीती रात कुछ हथियारबंद मुलजमान वालों इलाके च खड़ियां दर्जना गड्डियां दे शीशे पा दिते गए। मामले की शिकायत पुलिस कोल करन दे बावजूद जो पुलिस ने कोई कार्रवाई ना की तो मजबूरन इलाका वासियों को धरना लाना पड़ा, जिस विच भाजपा के सीनियर आगू प्रवीण बांसल भी शामिल हुए। धरना लगन तो बाद हरकत चाई पुलिस ने अणपछाते मुलजमां ते इरादा कतल का परचा दर्ज कर लिया। इस मौके प्रवीण बांसल ने घटना की निंदा करदिया कहा कि शहर च पुलिस का डर खत्म हुंदा जा रहा है ते गुंडा अंसरां दे हौसले बुलंद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंज जापदा है कि जिदा पुलिस किसी के जानी नुकसान होने का उड़ीक कर रही है। करीब 25-30 मुंडे जिहड़े 3-3 जने मोटरसाइकिल ते बैठे सी, उन्हां दे हाथ च नंगियां तलवारां बरछे गंडासे पिस्तौल ते सरिए फड़े हुए सी, और उन्होंने 1 किलोमीटर तक नाले तो शुरू होकर हर गोबिंद नगर 1 किलोमीटर तक पूरी दहशत पाई, और उस रात जिन्नियां गड्डियां खड़ियां सी वो सारियां गड्डियां तोड़ियां। गंडासे भी ऐदां दे सी जिहड़ी चादर कारां दी कट्टी गई ऐदां दे गंडासे सी, और उन्होंने फायरिंग की और रात जिन्ने भी कोई खड़ा सी उन्हें डरा के भजाया। दो बंदे बाहर खड़े सके मोटरसाइकिल तो उन्हें भी मारन की कोशिश की, और उस तो बाद सब महला इकट्ठा होया। कई पुलिस वाले तो उन्होंने मजाक समझ रहे थे, इन लाइटली ले रहे थे, नॉर्मली रहे थे। और सवेरे महल्ले के तौर पर असी थाने आए, क्योंकि मैडम दे वर्किंग सानू लगता सी भी शायद सानू जस्टिस मिले, और असी उन्हां ते भरोसा किया। राती 12 बजे की गल होवे ते अज 9 बजे तक 21 घंटिया च कुछ नहीं होया। उल्टा थाने चो मैसेज मिलिया भी मानिक डावर का फोन आया भी नहीं जी कार्रवाई कोई नहीं करनी, और एक बंदे ने भी सानू कहा कि 25-26 ला दिंदे आ, 24-25 ला दिंदे आ, पूरे मुलाजम दे कोई बट्टा मार दो ते नाल ही वर्दी फाड़ दिंदा ते 307 दा परचा रजिस्टर है ते बंदे मर जाण, कोई दिक्कत नहीं, कोई परवाह नहीं। और उस तो बाद ओही गुंडियां ने करीब 9 बजे फिर दोबारा महल्ले च तलवारां गंडासियां बरछे नाल गए, ते राह च एक बंदा बेचारा राजा सी, राजे ने मारिया वो बंदा हॉस्पिटल दाखल है। साडा सिर्फ धरना लाने का मकसद यह सी जे राती पुलिस एक्टिव हुंदी ओ गुंडियां नूं फड़दी तां ओ बंदा जिहड़ा बेचारा जिंदगी नाल लड़ रहा ओ बच सकदा सीगा। जे हुण ना कोई कारवाई हुई तां सवेरे फेर किसने वढ़िया जाणा, असीं इस लई कारवाई करवाउण वास्ते धरना लगा। मौके ते पहुंच ACP वरियाम सिंह ने कहा कि पुलिस दी नोटिस विच पूरा मामला है ते इलाका वासियां दी शिकायत ते मुलजमां दे खिलाफ परचा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह दो तिरां दी आपसी लड़ाई है ते इस विच शहर वासी भी परेशान हो रहे ने, जिस करके पुलिस ने सख्ती नाल कारवाई करदिया मामला दर्ज किया है। दो ग्रुपां दे विच झगड़ा चल रहा, रात कुछ गड्डियां तोड़ दित्तियां गईयां सी, तां अज दूसरे ग्रुप वल्लों हरगोबिंद नगर में एक लड़के ते अटैक किया गया जिंदे सट्टा लगियां। उस गल नूं लैके लोकां वल्लों जिहड़ा रोस जाहर किया गया सी धरना ला के, जिन्हां नूं विश्वास दवाया ये हुणे ही 307 च मुकदमा दर्ज करके CCTV दी फुटेज आ गई आ, किसी भी आरोपी नूं बख्शा नहीं जाऊगा, सारे सलाखां थले जल्दी सलाखां पिछे हो। दो ग्रुपां दा आपस च कलेश होण करके ये हुई है, मनण योग है गल, इस करके ही थोड़ा जिहा लोगों ने रोस जाहर किया, और ये जल्दी ही फड़ के इन्हों सलाखां पिछे भेज दिया। भरत शर्मा की रिपोर्ट, द समर न्यूज़। वधेरी जानकारी लई लाइक करो साडे फेसबुक पेज नूं ते सबसक्राइब करो यूट्यूब चैनल नूं ते इंस्टाग्राम नूं फॉलो करना ना भुलियो।